इन वैशाली। अभी हम लोग ऑन, अपॉन और ऑन टू को कवर करेंगे। ये तो आप समझ रहे हैं लोगो है, इंग्लिश रटने से नहीं आती, ये वास्तविकता है, हर चीज को आपको समझना पड़ेगा बारीकी से। ये हमारा नंबर है, क्लास है, नाम है आपका, और ये तैयारी जो हम लोग करते हैं। हम लोग इस वीडियो में ऑन, अपॉन और ऑन टू को देखेंगे। ऑन का मतलब होता है के ऊपर या पर। विशेष बात क्या ध्यान रखना है कि जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो, जब एक वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु हो, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरी ऑब्जेक्ट हो, अर्थात जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर होगा तो दोनों में क्या होगा, टचिंग होगा, दोनों में स्पर्श होगा। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर आधारित हो तो वो दोनों में स्पर्श होता है, दोनों में संपर्क होता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी एक दोनों में टच होगा, एक दोनों में स्पर्श होगा और वहां पर स्थिरता का भाव होगा, वहां पर हम लोग एक ऑन का प्रयोग करेंगे। के ऊपर या पर का अंग्रेजी जो बनेगा वो आपका ऑन बनेगा। जब तारीख हो या दिन हो उसको हम लोग डे या डेट बोलते हैं। जब हम लोगों का डे होता है या डेट होता है, तारीख हो या दिन हो, वहां भी हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। अब सवाल रहा अपॉन और ऑन टू का, तो अपॉन और ऑन टू एक ही बात है, अपॉन और ऑन टू एक ही बात है, या अपॉन लगाइए या ऑन टू लगाइए, इसका प्रयोग हम लोग के ऊपर या पर के अर्थ में करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो वस्तुएं होंगी, इसमें जो वस्तुएं होंगी इन मोशन, वह गति में होगा, गतिशील में होगा, गतिशील अवस्था में होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑन मतलब होता है के ऊपर या पर, और अपॉन और ऑन टू का भी हिंदी होता है के ऊपर या पर, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, यहाँ पर स्थिरता का भाव होगा, स्पर्श का भाव होगा और स्थिरता का भाव होगा। यहाँ पर क्या है, जो वस्तु होंगे वह मोशन में होगा, गति में होगा, उछलने कूदने छलांग लगाने झपटा मारने, स्थिति ऐसी होगी, है ना। तो दोनों में अंतर होता है। तो इस दोनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। ये दोनों पर विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक ना, इसको ठीक से पढ़ना है। ये ट्रिक के जरिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए और बेहतर होगा। कह रहा है कलम टेबल पर रखा हुआ है, तो टेबल कलम पर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि टेबल जो है, कलम जो है टेबल पर स्थिर है, टेबल कलम जो है टेबल से संपर्क में है, स्पर्श में है। तो कलम कहाँ है, टेबल पर है, अर्थात टेबल कलम जो है टेबल पर सटा हुआ है। यहाँ पर हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे, गतिशीलता का भाव नहीं है, स्थिरता का भाव है। तो ए पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये यहाँ पर क्या करने आया, इज केप्ट कैसे बना, पैसिव में बना है, है ना। तो अब जब हम लोग वॉयस पढ़ेंगे तो वहां पैसिव को देखेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे तो ए एन बी को देखेंगे, कहाँ लगाना है, क्या करना है। अभी आपका खोपड़ी यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, अभी आपका माइंड बहुत स्थिर होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, आपको देखना है कि ऑन कहाँ लगाना है। तो यहाँ पर देखिए टेबल पर कह रहा है कि टेबल पर, क्वेश्चन रहता कि बिल्ली टेबल पर कूदी, तो जब वो कूदती तो उसमें गतिशील हो जाता, कुत्ता टेबल पर कूदा तो वहां भी क्या हो जाता, अपॉन हो जाता या ऑन टू हो जाता। लेकिन यहाँ पर कूदना छलांग लगाना झपटा मारना ये सब नहीं है, कह रहा है कि कलम टेबल पर रखा हुआ है। जब टेबल पर कलम रखा हुआ है इसका मतलब है कि कलम जो है टेबल से स्पर्श में है, संपर्क में है और स्थिरता है, अर्थात हम लोग वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि वह हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, तो वह हाथी के ऊपर बैठा हुआ है अर्थात दोनों में स्पर्श है और स्थिरता का भाव है। ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, ऑन द एलिफेंट, यहाँ पर हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। कह रहा है किताब लैपटॉप के ऊपर थी, किताब लैपटॉप के ऊपर थी, इसका मतलब है कि द बुक वॉज ऑन द लैपटॉप, यहाँ पर किताब जो है लैपटॉप से सटा हुआ है, स्पर्श में है और वह स्थिरता का भाव है, वहां पर हम लोग ऑन लगाएंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर द लगा दिए, यहाँ पर ए लगा दिए, ये सब आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि ए भी सही है, द भी सही है, ए कितना अच्छा है, द कितना अच्छा है, कितना परसेंट अच्छा है, ये कितना परसेंट अच्छा है, है ना, दोनों अच्छा है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, लगाएंगे तो क्या होगा, ये सारी बात हम लोग आर्टिकल में देखेंगे। फिलहाल हम लोग का कंसंट्रेशन जो है प्रीपोजिशन पर बना होना चाहिए। अभी जो बातें हो रही है वो बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि ऑन और अपॉन और ऑन टू में क्या अंतर है।
है, ऑन कहां भरना है, अपॉन कहां भरना है, ऑन कहां भरना है, ऑन टू कहां भरना है, है ना। यहां पर देखेंगे अपॉन और ऑन टू में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही बात होता है, ये आप दिमाग में रखेंगे। ये बेसिकली जानकारी है जो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि अगला जो वीडियो हम लोग लेके आएंगे वो बहुत डेप्थ में जाएगा और उसको समझने के लिए आपको बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। खैर क्वेश्चन पर देखते हैं। तो किताब लैपटॉप पर, लैपटॉप के ऊपर है, मतलब किताब जो है लैपटॉप से क्या है, संपर्क में है, उससे टचिंग है, उससे स्थिरता का भाव है, इसलिए हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि मैं रविवार को गया, आई वेंट, मैं गया, पास्ट सिंपल में है, सब्जेक्ट वी टू का इस्तेमाल करेंगे। आई वेंट ऑन संडे, मैं रविवार को गया, यहां पर देखिए रविवार को गया, तो यहां पर संडे क्या है, संडे आपका डे का नाम है, यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। तो जब तारीख और दिन की बात होगा, जहां भी डेट और डे की बात होगा, हम लोग वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है। तो मैं रविवार को गया, आप रविवार को जाइए, है ना, आप मंडे को जाइए, ट्यूसडे को जाइए, फ्राइडे को जाइए, ये सब डे का नाम है। जब डे का नाम है, द नेम ऑफ द डे है, तो वहां पर ऑन का प्रयोग होगा और इसका हिंदी कोड निकल जाएगा। कहता है कि मेरा जन्म 5 फरवरी को हुआ, तो मेरा जन्म 5 फरवरी को हुआ, 5 फरवरी क्या है, तारीख है, आई वॉज बॉर्न ऑन 5 फरवरी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर को हुआ, तो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। हम लोग यहाँ पर ये 5 अक्टूबर आपका तारीख है, अर्थात हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। तो तारीख में और दिन का नाम, मतलब डे, द नेम ऑफ द डे, द नेम ऑफ द डेट, वहां पर हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अपॉन को देखेंगे, ऑन टू को देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि वह हाथी के ऊपर कूदेगा, तो वह हाथी के ऊपर कूदेगा, ही विल जंप, वह कूदेगा हाथी के ऊपर। जब हाथी के ऊपर कूदेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उसमें गतिशीलता हो जाएगा, जैसे वो कूदेगा, छलांग लगाएगा, तो उसमें गतिशीलता हो जाएगा। तो हम लोग वहां पर हाथी के ऊपर, यहाँ पर के ऊपर का अंग्रेजी ऑन टू होगा। यहाँ पर कह रहा है कि वह हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, तो स्थिरता का भाव है, वह हाथी के ऊपर कूदेगा, तो जैसे कूदेगा तो गतिशीलता हो जाएगा, तो ऑन वहां पर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी लगेगा तो ऑन टू लगेगा, अलग तो अपॉन लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। कह रहा है कुत्ता टेबल पर उछला या कूदा, तो कुत्ता जो है टेबल पर उछला या कूदा, तो द डॉग, स्प्रिंग मतलब होता है उछलना या कूदना, वी टू चूंकि पास्ट सिंपल में है, सब्जेक्ट वी टू लगेगा, तो द डॉग स्प्रैंग, द डॉग स्प्रैंग, कुत्ता कूदा या उछला, कहाँ उछला, टेबल पर। तो जब कुत्ता टेबल पर उछलेगा तो उसमें गतिशील हो जाएगा, गतिशीलता हो जाएगा, थिंग्स इन मोशन, वस्तु कहाँ हो जाएगा, वस्तु जो होगा थिंग्स इन मोशन, वो मोशन में हो जाएगा, इसीलिए हम लोग वहां क्या लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे, अपॉन, अपॉन का प्रयोग करेंगे। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, शेर शिकारी के ऊपर उछला या कूदा, शेर शिकारी के ऊपर उछला या कूदा, तो जब शेर जब शिकारी के ऊपर उछलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, गतिशीलता हो जाएगा। यहाँ पर जो वस्तु होगा वह थिंग्स इन मोशन, वह वस्तु जो होगा वह मोशन में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग अपॉन या ऑन टू का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि शिकारी जो है ना, शेर जो है शिकारी के ऊपर उछला या कूदा, तो द लायन शेर स्प्रैंग वी टू, चूंकि पास्ट सिंपल में है, सब्जेक्ट वी टू, अपॉन द प्रे, प्रे मतलब शिकारी, तो हम लोग यहाँ पर क्या के अपन का प्रयोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं जहां भी आपका वस्तु जो है मोशन में जा रहा है, क्योंकि जब लाइन स्प्रैंग करेगा तो डेफिनेटली लाइन लाइन में मोशन होगा, तो वहां अपन हो जाएगा द प्रे। जब कुत्ता जब टेबल पर उछला तो वहां भी मोशन होगा, तो अपन वहां पर लग जाएगा। वह हाथी के ऊपर कूदेगा, जैसे वो छलांग लगाएगा, जंप करेगा, उसमें मोशन होगा, तो अपन ऑन टू लगेगा, तो ऑन टू लगा दीजिए या अपन लगा दीजिए, दोनों एक ही बात हुआ। तो जब भी थिंग्स इन मोशन, जब वस्तु जब मोशन में होगा तो ऑन टू या अपन का प्रयोग करते हैं, और जब मोशन नहीं होगा तो हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग दिन के नाम के पहले भी करते हैं, तारीख के नाम के पहले भी करते हैं, और लैपटॉप पर जो है किताब स्थिर है, यहाँ पर वह जो है एलिफेंट पर स्थिर है, और पेन जो है टेबल पर स्थिर है, तो स्थिरता के भाव में ऑन का प्रयोग करेंगे, और दिन के नाम में ऑन का प्रयोग करेंगे, तारीख में ऑन का प्रयोग करेंगे, और गतिशीलता में ऑन टू या अपन का प्रयोग करेंगे। तो ये हम आप लोगों को ऑन और अपॉन, ऑन या ऑन टू दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बता रहे थे। ये बेसिक जानकारी है, ये हाईली जानकारी नहीं है, ये टफ नहीं है, ये डेप्थ नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है,
आप इसको दो तीन चार पांच बार देखें, है ना, और इस पर आप प्रैक्टिस करें, इसको आप जो है बार बार करें। जब भी बैठे तो कलम कॉपी के साथ बैठे और उसको लिखने का प्रयास करें, कवर करने का प्रयास करें। मैं बार बार आपको इस बात को बता रहा हूं कि जब भी बैठे तो कॉपी कलम के साथ बैठे, उसको दो तीन चार पांच बार वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेलकन जो है दबाना ना भूले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए बेलकन दबाना अति आवश्यक है। दोस्तों में बहुत इसको शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे उतना ज्ञान जो है पूरे देश दुनिया में फैलेगा, लोग बुद्धिजीवी बनेंगे, अनैतिक काम समाज में नहीं होगा, नैतिकता का फैलाव होगा, मानवता का फैलाव होगा, लोग एजुकेशन से जुड़ेंगे, शिक्षा बढ़ेगी, हम बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।